हेलो भाभी, मैं अरबाज बात कर रहा हूँ। कैसी तबीयत है अम्मा की? नहीं भाई साहब, हिमाद की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं डॉक्टर से खुद बात करूंगा। अब तो यकीन आ गया होगा अपनी बहन की दुख भरी आवाज से। मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, आलियान का इंतजार करूंगी। ठीक है, आलियान के साथ चली जाना, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि चली जरूर जाना। ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए। ये घर आपका है सजीला, जिसकी बुनियाद मैंने बेपनाह मोहब्बत से रखी है, सिर्फ आपके लिए। इस घर की बिल्कुल इसी तरह हिफाजत कीजिए जिस तरह से हमेशा आपने मेरी की है। खैरियत है ना सब? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं हुआ, मैंने सोचा था कि अब अपनी बाकी जिंदगी मिर्जा साहब की याद में बिताऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि रिश्तों के छिन जाने का खौफ मुझे अंदर से तोड़ फोड़ देगा। खाम खाम में आप परेशान हो रही हैं। अरे सिर्फ 6 महीने ही की तो बात है, इंशाल्लाह हम आत्मीय आपकी फाइल आपको 6 महीने के बाद वापस कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है उन पे। बुआ, कहीं मैं मात को ये फाइल दे के गलती तो नहीं कर रही? अरे नहीं, आप कोई गलती नहीं कर रही, बल्कि उल्टा आप तो एक नेकी का काम कर रही हैं, उसके लिए, अपने उस दामाद के लिए जो कि आपका हालांकि सगा बेटा भी नहीं है, लेकिन वो आपका साथ देता है, अपने बेटों से भी बढ़ के चाहता है वो आपको। तो ठीक है बुआ, लेकिन हानिया भी तो मेरी बेटी है। हानिया और फरहान क्या सोचेंगे? उनका तो दिल टूट जाएगा। हानिया ये समझेगी शायद मैंने सानिया में और उसमें फर्क रखा है। सब कुछ भी नहीं है। देखिए, जब हानिया मुश्किल में थी तो आप उसकी ढाल बन के उसके साथ खड़ी थी ना, अब अगर सानिया पे मुश्किल वक्त आ गया तो इसमें क्या फर्क हो गया, क्या तफरीक हो गई? बुआ फिर भी मैं नहीं चाहती कि हानिया को ये बात पता चले और उसका दिल टूटे। वो अगर मुझसे बदगुमान होगी तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मेरी हानिया ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब तक देख रही है। ठीक सोच रही हैं आप। एक काम करें, ये फाइल लेके ना आप सानिया बेटी के सीधा घर से ले जाए, हॉस्पिटल में जाके ना दीजिएगा ये फाइल। अगर वहां फरहान मियां हुए ना तो खाम खाम में कोई तमाशा खड़ा कर देंगे। निकलती